वहीं आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट से फ्लैग दिखाकर इस योजना की शुरुआत की है। तो एयर टैक्सी सेवा शुरू होने से मध्य प्रदेश के 8 शहर अब एक दूसरे से हवाई माध्यम से जुड़ जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली आने जाने के लिए अब लोगों को एयर टैक्सी उपलब्ध रहेगी। खास बात यह है कि इसका किराया भी ज्यादा नहीं होगा और किराए में 50% की छूट मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और सांसद वीडी शर्मा मौजूद रहे। अभी की जो भौगोलिक दूरी है, ट्रेन के रूट है, ट्रेन में भी माननीय मोदी जी ने काफी काम किया, लेकिन हम तो आप इस दिशा में हवाई यातायात की दिशा में बढ़ना है और हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधाएं हमारे द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपकी सबकी जानकारी में रख लेना, आप कभी कोई कारण से कभी जानकारी नहीं होती तो वो बात छूटती है। जैसे ये अभी हमारी शत्रु एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करके स्टेट से कम्युनिकेशन होगा, डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना। तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरणों में ड्यूटी निभाई है, हर जगह वो अपने तैयारी। पर्यटन पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो 8 स्थानों पर अभी वायु सेवा की जो हम शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म को नए आयाम स्थापित तो करेगा ही, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी और विकास में भी, क्योंकि जब ये कनेक्टिविटी होती है तो विकास भी इसके आधार पर उसका एक नया आयाम उसको लेकर के भी खुलते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे एयर टैक्सी चलेगी। सोमवार और गुरुवार को रीवा शहर हफ्ते में 2 दिन इंदौर, जबलपुर और भोपाल से जुड़ेगा। इसी के साथ ग्वालियर शहर हफ्ते में 2 दिन मंगलवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन से जुड़ेगा, जबकि शनिवार को ये भोपाल भी जुड़ेगा। हफ्ते में 3 दिन उज्जैन शहर मंगलवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर से जुड़ेगा, जबकि बुधवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर से जुड़ा रहेगा। खजुराहो को हफ्ते में 1 दिन शुक्रवार को भोपाल और जबलपुर से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये एयर टैक्सी की कनेक्टिविटी हमने आपको बताई है। एयर टैक्सी में सफर करने के लिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग काफी उत्साहित हैं। चलिए आपको एयर टैक्सी के किराए के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। फिलहाल इस सेवा के किराए में भी छूट रहेगी। इन सभी फ्लाइट्स को का जो किराया है वंदे भारत ट्रेन के किराए के समान ही रहेगा, क्योंकि एयर टैक्सी सेवा में फिलहाल 50% का डिस्काउंट देने का फैसला किया गया है। यानी अगर आप भोपाल से इंदौर के बीच जाते हैं तो आपको एयर टैक्सी के 2,062 रुपए ही चुकाने होंगे। हालांकि कुछ उड़ानों का किराया ज्यादा भी हो सकता है। यह हवाई टैक्सी केवल 6 सीटर रहेगी, यानी एक बार में 6 लोग जा सकते हैं। तो किराए में अभी फिलहाल इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है।